महाकालेश्वर महादेव के तृतीय ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इनकी एक और बड़ी सुंदर कथा है। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए हमें। फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में स्थित है महाकाल, वहां क्षिप्रा नदी है। वहीं क्षिप्रा नदी के पास ही कुछ ही दूरी पर महाकालेश्वर मंदिर सुशोभित होता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना, बड़ी सुंदर कथा है, उज्जैन में चंद्रसेन नामक एक राजा रहा करते थे। क्या नाम था? चंद्रसेन। और चंद्रसेन नाम के राजा की एक विशेषता थी कि वो भगवान शिव के परम भक्त थे, परम भक्त। भगवान शिव के परम भक्त थे चंद्रसेन जी महाराज। और उनके इस भक्ति का चर्चा चारों तरफ था, सब लोग उनकी स्तुति वंदना किया करते थे इस बात को सुन सुनकर कि चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त हैं, परम भक्त हैं भगवान शिव के। तो कुछ जो उसके पड़ोसी राजा थे वो उसे जलते थे, वो जलते थे, वो कहते थे ये ठीक नहीं है, हमारे पड़ोसी राजा का इतना यश हो और हमारा यश ना हो, ये ठीक नहीं। तो जितने भी शत्रु राजा थे पड़ोसी राज्य के, उन सब ने मित्रता की, ऐसे समझो जैसे पाकिस्तान और चीन। तो पड़ोसी राजाओं ने मंत्रणा की कि सब एक साथ आक्रमण कर दो इसके ऊपर, ये क्या कर लेगा अकेला। तो सब एक हो गए कि इसका शिकार करो, चलो। लेकिन जब राजा को पता चला मेरे ऊपर कोई आक्रमण करने वाले हैं, इतने लोग आने वाले हैं, राजा को कोई चिंता नहीं। क्यों? बोले मैं चिंता क्यों करूं, मैं चिंता क्यों करूं, मेरी चिंता करने वाला कोई और है। मैं चिंता क्यों करूं, उसे चिंता हमारी है, हमारे कृष्ण भक्तों के लिए है ये। मैं चिंता क्यों करूं, उसे चिंता हमारी है, हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्र, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। तो राजा चंद्रसेन ने कहा हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। राजा ने प्रारंभ किया बाबा भोलेनाथ का अभिषेक, बैठ गया पूजा में बाबा के। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे। बाबा को स्मरण करने लगा। अच्छा, एक गोपी थी, गोपी वहां आई थी उज्जैन में, उसका एक बच्चा था छोटा सा, 6-7 साल का बालक। वो बालक भोले बाबा की पूजा करते हुए राजा का दर्शन कर रहा है। किसका दर्शन? राजा का। वो राजा क्या कर रहा है? राजा बहुत प्रेम से अभिषेक कर रहा था, घृत से अभिषेक, शहद से अभिषेक, दूध से अभिषेक, पंचामृत से अभिषेक, कभी बेलपत्र चढ़ा रहा, कभी वस्त्र, कभी इत्र, ये सब देख देख कर वो बालक कहता था मैं भी ऐसी सेवा करूंगा, मैं भी ऐसी सेवा करूंगा। बहुत सेवा करने का मन हुआ। अब उसकी माँ उसे लेकर गई कि चल मेरे संग, उसकी माँ लेके गई उसे संग, चल मेरे, वो गया संग। अब माँ तो लग गई भोजन बनाने उस बच्चे की, और वो पड़ोसी एक मतलब एक शिविर था छोटा सा, उस शिविर में जाके बैठ गया, थोड़ी सी मिट्टी निकाली उसका शिवलिंग बना लिया, कहीं से दो फूल तोड़ लाया, कुछ तोड़ लाया, और वो शिव की पूजा में मगन हो गया, खूब मगन हो गया। वो इतना मगन हो गया ना उसे भूख लगी ना प्यास,
भोजन बन गया, सारा कुछ हो गया, माँ ढूंढ रही है बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा मिले तो बात बने। अब माँ ढूंढती फिरी, फिर पहुंच गई वहां, अरे यहां पे चल चल भोजन कर, मुझे भोजन नहीं करना, मुझे शिव पूजन करना है। अरे भोजन कर, मुझे भोजन नहीं शिव पूजन करना है, मुझे भोजन नहीं करना है शिव पूजन करना है। माँ को आ गया गुस्सा और माँ ने कर दी तू कर है शिव पूजन, झट भाई को पूजन शुरू है। और माता जी ने दत दनादन दत दनादन 5-7 पूजन के शंख बजाए, वो फिर भी रोता रहा पर बोला कुछ नहीं। यहां तक सब ठीक था, लेकिन उस माँ ने क्या किया, उस जिसको वो शिवलिंग बनाकर बैठा था वो उठाया और फेंक दिया। जैसे ही उठाकर फेंका वो चीखने लगा, वो रोने लगा, मेरे महादेव को फेंक दिया, मेरे महादेव को फेंक दिया। माँ तो चली गई, अब बालक रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे, और उस बालक की पुकार को सुनकर महाकाल धरती फाड़ के प्रकट हो गए। और एक विशाल मंदिर, पूरा मंदिर अकेले नहीं, पूरा मंदिर प्रकट हो गया, बड़ा सुंदर मंदिर। बालक के समक्ष ये चमत्कार हुआ। ये दृश्य देखने के बाद महाराज चारों तरफ चर्चा हो गई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। राजा को पता चला कि एक बालक की पुकार से शिव मंदिर प्रकट हुआ, शिव जी प्रकट हुए। तुरंत राजा चंद्रसेन दौड़कर पहुंचे, उस राजा उस बच्चे को राजा ने गोद में बैठाला और लाड़ लड़ाने लगे, कहने लगे तू धन्य है, तूने मेरी उज्जैन नगरी का जो नाम है वो प्रकाशित किया, तू धन्य है, भगवान सबके घर में एक ऐसा बच्चा हो। अब तो ये संदेश राजाओं को सुनने को मिला, कौन से राजा, सराउंडिंग जो खड़े थे तोप ले लेके, धनुष बाण ले लेके, उनको पता चला कि एक बालक के प्रभाव से स्वयं भूत बाबन भोलेनाथ प्रकट हो गए। इतना बड़ा धार्मिक राजा है ये चंद्रसेन, इससे युद्ध करके किसी का हित नहीं होगा, धार्मिक व्यक्तियों से कभी लड़ना नहीं चाहिए, न जाने कौन सी देवी शक्ति तुम्हारे ऊपर प्रहार कर दे और तुम नष्ट हो जाओ, एक क्षण की बात है बस। सभी राजाओं को पता चला कि परम भक्त है बालक, और बालक के निवेदन पे भगवान से प्रकट हुए। राजा ने उस बच्चे को सभा में बुलाया और सम्मानित किया, उनके रहने की सुंदर व्यवस्थाएं की, महल बनवाया उस बच्चे के लिए, मां के लिए, परिवार के लिए। सभी राजा एकत्रित होकर राजा चंद्रसेन की सभा में पहुंच गए और कहा हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं कि हम आपसे युद्ध करने आए, हम आपसे नहीं लड़ना चाहते, हमें क्षमा करो। राजा भी उस सभा में आकर बैठ गए। राजा चंद्रसेन से भक्त थे और भगवान के भक्त क्षमा करना जानते। चंद्रसेन ने कहा नहीं नहीं आप सब मेरे अपने हैं, कोई बात नहीं, बिराजी सभा में सबका स्वागत किया, सत्कार किया। उस बालक को लेकर सभा में बैठे थे, उसी सभा में श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज पहुंचे और हनुमान जी महाराज ने उस बालक को खूब स्नेह किया, खूब प्रेम किया। राजा चंद्रसेन से कहा यहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो प्रकट हुआ है, तुम खूब सेवा करना, और ये जो बालक है ये साधारण नहीं है, इस बालक को बिल्कुल भी साधारण मत समझना, आगे चलकर इस बालक के ही वंश में द्वापर युग के अंत में कृष्ण अवतार होगा, इसी के वंश में कृष्ण अवतार होगा। श्री हनुमान जी महाराज ने इशारा किया, हनुमान जी महाराज ने इशारा किया, बोले महाकालेश्वर महादेव की जय।